बदलाव इस संसार की दस्तूर है। दोस्तों को एक ऐसा चीज़ बताइए, एक ऐसा मुझे रास्ता बताइए जहाँ समय के साथ बदलाव ना हुआ हो। हिंदू धर्म भी ठीक उसी तरह हुआ। तो आज इस सीरीज में हम बात करेंगे हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और मेरे वीडियो को यदि आपने अभी तक कुछ किया नहीं तो कुछ तो कर दो, ताकि हम मेरी आगे से कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आ सके। तो दोस्तों आप करो नहीं करो पर मुझे टॉपिक शुरू करना है, और आज का टॉपिक यदि मैंने लिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम उपयोगी है, ब्राह्मण समाज। एक्चुअल में ब्राह्मण समाज मतलब राजा राम मोहन राय। यदि मैं इन शॉर्ट कहूँ कि ब्राह्मण समाज मतलब क्या, तो एक ऐसा आदमी है ना कि सारी चीज, सारा गुण, वॉशिंग पाउडर निर्मा लाइक दैट, कि सारे गुण इन्हीं में समाए हैं। तो ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस भारत में पहली बार इन्होंने बीड़ा उठा लिया कि भैया इस देश में जो मध्यवर्गीय है और जो एकदम छोटी छोटी दिक्कतें होती है, बुराइयां हैं समाज में, उसे ख़त्म करना। अभी कौन सी बुराई है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात ऐसा है कि जो हमारे राजा राम मोहन राय, इनकी जन्म कोलकाता में हुआ, और कोलकाता में ये लगभग 20 अगस्त 1828 में इनका जो है ये समाज की स्थापना किया हिंदू सुधार आंदोलन की। और इन हिंदू सुधार आंदोलन की मतलब कि इन्होंने शुरुआत की तो मैं ब्राह्मण समाज कहूँगा, और वास्तव में यदि मैं इनके थोड़ी जन्म की बात कहूँ, यदि मैंने छेड़ी दी तो मैं बता ही देता हूँ कि इनका जन्म 22 जुलाई 1774 ईस्वी में बंगाल के जो है, जो कहते हैं ना उसको, हुगली जिले में हुआ था। दोस्तों हुगली तो बहुत फेमस जगह है, वो तो आप जानते ही होंगे, कोलकाता में है। तो इन्हें इनके अंदर जो फारसी, अरबी, लैटिन, यूनान, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और भी कई सारे ऐसे भाषा थे जो समाहित थे, यानी हम कह सकते हैं कि ये पारंगत थे इन सारे विषयों में। दोस्तों इनका एक खास मकसद था कि समाज में जो पल रही बुराई, जैसे कि सती प्रथा, बहु विवाह, कह सकते हैं वेश्यावृत्ति, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सभी चीज को समाज से ख़त्म कर देना है। इनका सपना था कि समाज में एक धर्म, एक न्याय, एक मानसिकता रहे। शायद यही सोच के यदि आप इनकी प्रवचन को ध्यान से सुनेंगे या इनकी प्रवचन की बुक को आप यदि सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनका पूरी प्रवचन का निचोड़ है एक ना कह सकते हैं ना बहुत अच्छा शब्द है, अभी मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, सब धर्म संभाव है ना, मतलब मराठी शब्द है, यानी कि सारे धर्म का एक ही भाव है, इनका कहने का मतलब है। इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा और अवतारवाद का जो है समर्थन नहीं किया। इनका मानना था ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, ये हमेशा एक ईश्वर कि जो बातें होती थी, एक ईश्वर यानी इनको कह सकते हैं एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, और लोगों को उपदेश भी देते थे यही कि भाई ऐसे मत करो, मूर्ति पूजा जो है ऐसा नहीं होता, कोई अवतार पुरुष नहीं होता। और उन्होंने जो है सिर्फ कर्म का सिद्धांत और पूर्ण जन्म के बारे में यदि उनकी राय देखें तो स्पष्ट नहीं दिख रही है, इतिहास के पन्नों में धुंधली धुंधली है। उन्होंने धर्म ग्रंथों को तो महत्व दिया पर उतना नहीं जितना बाकियों ने दिया। इनका मानना था कि धर्म ग्रंथों जो है, कोई भी धर्म ग्रंथ है, ये मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क से परे नहीं है। इनका मानना था कि आखिर उन ग्रंथों का निर्माण तो मानव के ही द्वारा हुआ है। इसके बाद यदि बात करूं तो कालांतर में ब्राह्मण समाज का बागडोर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आया। ये समय 1818 से लेके 1905 ईस्वी के बीच में था। दोस्तों ये सीरीज में मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं अगले सीरीज, जैसे मैं यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर मुझे अगले सीरीज चाहिए, तो मैं डेफिनेटली अगला सीरीज आप तक पहुँचाऊँगा। ये एजुकेशनल वीडियो है, लोग बहुत कम देखते हैं,
मैं इस बात का एग्री करता हूँ, लेकिन इतना भी कम नहीं कि जो एजुकेशन ही ना मिले। तो खैर छोड़िए, टॉपिक था मेरा कि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1818 से लेके 1905 के कालांतर में था, इन्होंने जो है ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली। और इन्होंने भी, जैसे कि राजा राम मोहन राय के उपदेश थे, इन्होंने भी लगभग वही उपदेश दिए, और इनका कुछ खास जो छवि ब्राह्मण समाज पे नहीं रहा। इन्होंने भी मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन इनसे एक खास काम हुआ। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिनका नाम केशव चंद्र सेन था, जो ब्राह्मण समाज के लिए आचार्य पद पे नियुक्त हुआ। उनकी जो वाक्य कटुता थी ना दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा वाक्य कटुता, ऐसी कौशल बहुत ही रेयर या बहुत ही कम लोगों में पाई जाती थी। यही, और इतनी अच्छी वाक्य कटुता कि इसके आगे बड़े बड़े कवि पानी भरते थे। शायद एक यही कारण था कि केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज का जो आर्य नियुक्त किया गया। दोस्तों इसकी जो वाक्य कटुता थी ना, एवं उदारवादी दृष्टिकोण, इतनी ज़्यादा छवि छोड़ी, इतनी ज़्यादा लोगों को मोहित किया कि इसके दौर में ब्राह्मण समाज काफ़ी ऊंचा चले गया, काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी विकसित हुआ। और इन्हीं के दौर में जो है ब्राह्मण समाज का जो है कुछ जो है भागों का जो है कई सारे शाखाएं बनी। कुछ शाखाएं उत्तर प्रदेश में, कुछ शाखाएं कह सकते हैं ना हम लोग, और दो तीन जगह थी, यदि याद आता है तो कमेंट करें, नहीं आता तो मैं ही बता देता हूँ। एक उत्तर प्रदेश है, उसके बाद और भी बहुत सारे जगह थे बगल में, अब तो झारखंड या बिहार, बिहार में तो था ही, है ना, ये सारे जगह थे जहाँ पे इसकी जो कई सारी शाखाएं बनी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों, इसके अंदर जो है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा उदारवादी नीति व्याप्त थी कि कहते हैं ना कि यदि चीनी ज़्यादा हो जाए तो समस्या बन जाती है। और बस यही बात है, हमारे जो महान उदारवादी केशव चंद्र सेन थे, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उदारवादी जो है पद्धति, इसी कारण जो है जो ब्राह्मण समाज दो भागों में टूट गया, या कह सकते हैं विभाजित हो गया, दोनों की अलग जो है थ्योरी हो गई, दोनों की अलग स्पीच हो गई। इस पर जनजीवन काफ़ी आक्रोशित हुआ, और जो लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, जो लोग को लगता था कि ब्राह्मण समाज एक आदर्श के रूप में एक नई दुनिया की जो है शुरुआत किए जा रहे हैं, उसके मन में ठेस पहुंचना हुआ। तो इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के परिणाम स्वरूप 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ जी ने पुनः केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज से पदमुक्त कर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों इस सीरीज में मैं इतना ही बताया हूँ, अगले सीरीज में मैं ज़रूर इसके बारे में और बताऊँगा कि किस तरह अंग्रेज़ों के का आगमन हुआ, किस तरह ब्राह्मण समाज जो है पूरी दुनिया में एक अखंड समाज के रूप में व्याप्त हो गई, आखिर ऐसा कितने क्या क्या संघर्ष हुआ, ये सारे चीज मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं सब्सक्राइब करने नहीं कह रहा हूँ, डोंट वरी। Thank you.